मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका इंस्पायरबॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जिंदगी में पनौतियां होती रहती है और हमेशा ही होंगी। सो डोंट बी डिसेटिस्फाइड विथ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। ऑलवेज मेक अ फॉरवर्ड मूव विथ योर एक्सेप्टेंस एंड डोंट केयर अबाउट द पीपल। पीपल अराउंड यू आर जस्ट द पीपल, यू कांट सेटिस्फाई देम। और आप उनके जैसा नहीं हो सकते, मैं आपके जैसा नहीं हो सकता, आप मेरे जैसे नहीं हो सकते। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी, एंड दिस इज द रियलिटी। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और हमेशा ही आएंगे, और हमें उनका डट के सामना करना है विथ दिस होप एंड विथ दिस माइंड कि हमें उसके चक्र में नहीं फंसना है, उस चक्रव्यूह से निकल के आगे बढ़ना है, हंसते हुए, गाते हुए, एक दूसरे का साथ और सहयोग देते हुए। कोई नहीं चलता है, कोई नहीं देता है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। न मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं। एक बार फिर से आपसे जुड़ने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, कुछ खट्टी मीठी यादों को साथ में लेकर के मैं आ गया हूं। आपसे वार्तालाप करूंगा, हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा, इंजॉय करूंगा अपने इस मोमेंट्स को, अपने इस लाइफ को, आज की जिंदगी को। आई एम नॉट लाइक यू, यू आर नॉट लाइक मी, बट We can make this life wonderful together, beautiful together. These are my words. मेरा ये सोचना है और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। अब तक की जिंदगी के जो भी अनुभव रहे हैं उससे यही ऑब्जर्वेशन है। कोई भी इंसान किसी का रिप्लिका नहीं होता, माइंड से, बॉडी से, whatever. इवन दो अगर कोई दो जुड़वा भाई होते हैं, दो जुड़वा बहनें होती है, जुड़वा लोग भी होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उनके सोचने समझने का तरीका एक जैसा होता है। पीपल आर हेयर इन दिस वर्ल्ड विथ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट थॉट्स। हम क्या कर सकते हैं आपस में बैठ करके, जैसे हम और आप कर रहे हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और उससे कुछ सही निचोड़ लेकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। जो अच्छी चीजें हैं उसको साथ लेके चले, जो बुरी चीजें हैं उसको वहीं पे छोड़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन क्या ऐसा होता है रियलिटी में? नहीं होता है। जो रियलिटी है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। रेदर देन एक्सेप्टिंग दिस कि मैं अगर किसी से जुड़ा हूं तो उसके सोच में होता है कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं, अगर या फिर मैं उससे अगर फॉरवर्ड हूं या किसी चीज में आगे हूं तो अरे वो वैसा कैसे है, अच्छा वो तो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्यों करना चाहते हैं दूसरे? दूसरे की अपनी जिंदगी है, दूसरे का अपना सोच विचार है, दूसरे का अपना चलने का तरीका है। जो लोग आई हैव सीन दिस कि जो लोग, जिन लोगों की सोच सीमित होती है वो ज्यादा खुशहाल और आबाद होते हैं, ये मैंने अपनी जिंदगी से अनुभव किया है। उनकी जरूरतें उतनी सीमित होती है और वो ज्यादा कुछ नहीं सोचते, उनको जीना है, खाना है, पीना है, आगे बढ़ना है। और यही थॉट प्रोसेस हमारे अंदर भी होना चाहिए, मेरे अंदर भी होना चाहिए। और यही मैं सोचता हूँ, क्यों मैं कचरा भर के अपने दिमाग में चल रहा हूँ, क्यों मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, ये ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और उसके बाद आप एक से बढ़कर एक गलतियां करते हो, ट्रैप होते हो। एंड यही प्रॉब्लम है, यही वजह जिसकी वजह से हमारा एंटायर लाइफ जो है वो करप्ट कर जाता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि दूसरा पर्सन जो है वो हमारे जैसा होना चाहिए। मैं अगर ये चाहता हूं तो वो ये करे, ये मेरी बात माने, मेरा सुने, और नहीं सुनता तो हम उसको उंगली करेंगे। दैट्स द नेचर ऑफ द पीपल, उंगली करेंगे। बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति अगर किसी वाचाल इंसान के चपेट में आ जाता है तो फिर क्या होता है? इंसान जो शांत स्वभाव का व्यक्ति है वो वाचाल इंसान की बातों को सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, लेकिन जब उसकी सीमा वो लांघ जाता है तो वो शांत इंसान एकदम से ब्लास्ट करता है। एंड दैट इज द रियलिटी। एक बार की बात बताता हूं, मैं अपने स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट के मेरे बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत शांत स्वभाव, उनके चेहरे को देख करके ऐसा लगता था कि भाई व्हाट अ इंस्पायरिंग फेस ही हैज।
एकदम हमेशा स्माइलिंग फेस और कभी किसी को कुछ नहीं कहना, अगर आप कुछ भी बात कर रहे हो तो नहीं मतलब बोलते थे। हम लोग दरी पे बैठे हुए थे आगे, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था और बात करते 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 वो ऑब्जर्व कर रहे थे और पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या हो गया था कि मैं उनको और मतलब जैसे उंगली करना होता मैं उनको उंगली किया जा रहा था। अब उतनी सोच समझ तो थी नहीं, और भाई साहब उन्होंने मतलब जो है ऑब्जर्व किया बड़ी पेशेंसली, वो सारा चीज स्माइल करते रहे एंड नॉट इवन सेड अ सिंगल वर्ड। लेकिन जब उनका लिमिट मैंने क्रॉस कर दिया और जो तमाचा उन्होंने मुझे जड़ा, मेरे कान झनझन आ गए। एंड आज मैं वो चीज सोचता हूं तो मैं समझता हूं कि एक शांत इंसान को कभी भी ना उंगली नहीं करनी चाहिए, उसको कभी भी अपने बातों से या किसी भी चीज से उकसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको हमेशा अगर शांत है तो कोशिश करें कि उसको शांत करके रखें, या उसको, क्योंकि जब वो फूटता है ना वो बहुत सारा चीज अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारे चीजों को दबा के रखता है ताकि शांति बनी रहे, शांति कायम रहे और हम लोग साथ में चलते रहे। लेकिन जब वो ब्लास्ट करता है तो एक विस्फोट होता है, और जब वो विस्फोट होता है तो उसमें क्या प्रलय आएगा इसका कहना मुश्किल है, जैसे मेरे कान झनझना गए थे। तो मैं रियली यही चीज आपसे अपने जीवन के अनुभव से यही डिस्कस करना चाहता हूं। तो दोस्तों कोई भी किसी के जैसा नहीं होता और ना ही हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी को ये फोर्स करना छोड़ दे, किसी को किसी से ये चाह तकना छोड़ दे कि भाई हाँ मेरे जैसा हो जाए, ये करे वो करे वैसा करे, यार वो तो मुझसे आगे क्यों है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अगर आप शांत हैं, अंडरस्टैंडेबल पर्सन हैं और उनके बार बार किए गए उंगली से आप परेशान नहीं होते एंड स्टिल यू आर कीपिंग योर सेल्फ काम डाउन कि चलो ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, अरे क्या हो गया, चलो होता रहता है। बट स्टिल जब उनकी बातों से आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता एंड स्टिल यू आर पुटिंग योर सेल्फ काम डाउन, तो वो फिर अपना वो रूप दिखाते हैं, वो किसी भी हद तक किसी भी लेवल तक जाके गिर सकते हैं, गाली गलौज उल्टी सीधी बातें, ताकि आप उसकी बात से उकसे, कुछ रिएक्शन दिखाए। इन सब चीजों की वजह से जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो एक बैड फेस का जन्म होता है, एक बैड फेस का जो है एक हवा चलती है, अब बुरी हवा कह लीजिए, कैसी भी हवा कह लीजिए, अब उसमें क्या क्या बह के जाएगा। आपने कभी समंदर को देखा है या आपने कभी नदी को देखा है, उसमें बाढ़ आते देखा है, नदी जब शांत रहती है तो कितना स्थिर कितना सुखद अनुभव होता है। लेकिन उसी नदी में जब बाढ़ आती है, जब वो नदी रौद्र रूप लेता है, तो वो नदी ये नहीं देखती कि ये जो है चोर का घर है, ये साध का घर है, ये किसका है या किसका है, उसको सब चीज बहा के ले जाना है और वो बहा के ले जाती है। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम कॉमन नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के विचारधारा से, एक दूसरे के किए हुए कारनामों से, गलतियों से या अच्छे कर्म से प्रभावित होकर के कुछ सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, रेदर देन ड्रैगिंग वन अनदर और पुलिंग वन अनदर। हम लोग जो है ये सोच समझ रखें कि नहीं कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर, तो हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे, चाहे आपका घर परिवार हो, फैमिली हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका कहीं और कोई बाहर से लिंक हो, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ पीपल एवरीवेयर। वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, आई एम नॉट लाइक यू एंड यू आर नॉट लाइक मी, बट वी कैन मेक दिस लाइफ वंडरफुल ब्यूटीफुल टुगेदर। इस पे आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप, अपने कॉमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं। ऑलवेज बी माई इंस्पायरर, ऐसे ही मैं आपसे वार्तालाप करता रहूंगा। खुशहाल रहिए, आबाद रहिए अपने घर परिवार के साथ।